हिंदुस्तानी को हर हिंदुस्तानी से प्रेम करना चाहिए, भाईबंदी रखनी चाहिए, देश को उजागर करने के लिए आपसी मेल मिलाप का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपस में एक दूसरे को नफरत करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ता। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत की उन्नति तब होगी जब यूनिटी होगी, विकास होगा। अगर सर्वनाश होगा तो विकास कैसे होगा? हिंदू मुसलमानों में एकता होनी चाहिए, सिख ईसाइयों में एकता होनी चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम लोग सब मिलकर इस जंग को लड़नी चाहिए। आपस में फूट जाएंगे तो बाहर के लोग आके हमको गजब कर देंगे, खत्म कर देंगे, जैसे अंग्रेजों ने किया था एक ज़माने में। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा पैगाम एकतापन और आपस में मोहब्बत। और हम लोगों की एक आदत है कि खिड़की से खोलकर कचरा बाहर फेंक देते हैं, कहते हैं हमारा घर से। तो ये निकालना चाहिए और एक दूसरे से प्रेम करना है और आगे बढ़ना है, देश को सुरक्षित रखना। जय हिंद। कम से कम एक दो दशक नहीं, तो 50 दशक तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पे राज किया है, आपके पूरे परिवार ने राज किया है, और कभी इस तरह का माहौल आप लोगों को देखने को नहीं मिला कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, या उसके ये हिंदू राज्य होने के बाद भी जो है आप लोगों को कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आजकल जो माहौल है जी, तो सर क्या विचार रखिएगा जो आजकल माहौल चल रहा है? सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, संगीत एक ऐसी चीज है इस माहौल को दिल से दिल की तार जोड़ा सकती है। इंसानियत अपने नेशनलिज्म, अपने अकीदत को, सारे मज़हब को एक साथ ला सकती है संगीत। संगीत एक बहुत अहम हिस्सा है और हेमंत जी ने एक बहुत अच्छी सर्विस की है कि बहुत ही इंस्पायरिंग गाना उन्होंने कंपोज़ किया है जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यही पैगाम सबको देना चाहिए कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ ज़िंदगी बसर करें, वही हमारे मुल्क की कामयाबी है, वही हमारे मुल्क की सक्सेस है। थैंक यू।